भी अगर आपने आसन को किया ना, अगर आपको पसीने आते हैं, दैट मीन सक्सेसफुल हुआ है। इन सारी चीजों का आपको ध्यान देना है। पसीना जितना आता है, स्वेट जितना आता है, उतने जल्दी आप बहुत ज्यादा फिट रहते हैं मेंटली, बॉडी से, फिजिकली। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान देना। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले सूर्य नमस्कार से शुरू करेंगे हमारी एक्सरसाइज को। सूर्य नमस्कार आपको 5 से 10 बार करना होता है, 5 to 10 times जरूर करिए डेली। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि किस तरह से आप अपने डेली फैट को आराम से बैठे बैठे कम कर सकते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है, इसे मैं डेली करती हूँ और आपको भी कुछ इसी तरह से करना है। जब आप देखेंगे 30 days में ही आपका डेली फैट है ना, बहुत ही अच्छी तरह से सपाट अंदर चला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं, इससे पूरा देखिएगा, आप समझिए किस तरह से करना होता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले आपको वार्म अप करना होता है। तो वार्म अप वगैरह मैंने कर लिया है, सूक्ष्म व्यायाम जरूर करिए। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ चक्की आसन। तो 10-10 बार आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको ये चक्की आसन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख सकते हैं स्टमक पे इसका बहुत ही अच्छी तरह से जब प्रेशर आता है, इस तरह से आपको 10-10 का सेट लगाना होता है, एक साइड से, लेफ्ट से और फिर राइट से, ठीक है। आपकी जो गति होती है श्वास लेने की, इनहेल और एक्सहेल, वो बिल्कुल भी नॉर्मल होनी चाहिए। और थोड़ा सा आप अपने लेग्स को सबसे पहले ना वार्म अप देना होता है, उसके बाद ये सारी चीजें करिए, ठीक है। तो ये जो चक्की आसन है, ये बहुत ही आसान है हमारे बेली फैट को कम करने के लिए। और मैं कुछ तरीके हैं जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो फर्स्ट सेट में आपने देखा हमने किया चक्की आसन। सेकेंड सेट में आपको सीधा लेट जाना है और अपने हाथों और पैरों को कुछ इसी तरह से उठाते हुए धीरे धीरे करना है। फ्रेंड्स, आपको ये मैं बहुत आराम आराम से कर रही थी, बट ये बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्डेड वीडियो है। और उसके बाद आपके अपने दोनों लेग्स को भी ऊपर नीचे करना है। तो आप देख सकते हैं स्टाप को अच्छी तरह से देखिए, ये बढ़े हुए पेट को, चर्बी को, बेली फैट को कम करने का सबसे सही तरीका है, जो कि आप घर बैठे बहुत आसानी से आप कर सकते हो। और जिस तरह से आप अपने दोनों पैरों को उठाना होता है, दोनों हाथों को इस तरह से उठाइए, और ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। आपके जो स्टमक एरिया है ना, वहाँ पे आपको प्रेशर आता है तो आपको पता चलेगा। बहुत ही आसान से करना है आपको। देखिए, फिर दोनों लेग्स को उठाना है, टच करना है अपने नोज से इस तरह से, अपनी पूरे दोनों घुटनों को। उसके बाद आप रिलैक्स करिए। और ये वाली जो है ना, इस तरह से, ये चक्की आसन की तरह ही है, बट इस तरह से आप ज़रूर करिए, हाथों को दोनों फोल्ड करके इस तरह से अपने पैर को टच करने की कोशिश करिए। सो फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह से फोल्ड करना है आपको लेग्स को, और आगे की तरफ झुकना है दोनों हाथ को पीछे बांध कर। ये वाला भी बेस्ट है, जो कि आपके बेली फैट को, स्टमक को कम करेगा। आप जितनी भी हो सके ना फ्रेंड्स, अपने डाइट पे जितना ध्यान देंगे और अपने एक्सरसाइज पे जितना ध्यान देंगे ना, आप बहुत ही जल्दी अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं। और जो स्टमक है ना, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से ये काम भी करता है। और इसे एवरी डे करिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे साइकिलिंग वाला जो आसन होता है, सारी चीज़ें। और यहाँ पे ये जो मैं कर रही हूँ, उप गर्दन के पीछे आपको रखना होता है अपने दोनों हाथों को, और पंपिंग होती है ना एकदम से, फिर दोनों लेग्स को ऊपर रख के कुछ इसी तरह से आप करिए। ये 100% इफ़ेक्टिव होते हैं और आपको रिजल्ट देते हैं।